अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बटर नान की रेसिपी, जिसे आप ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर के खाते हैं, वो आज हम घर में बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। उसके लिए हमने ले लिया है 4 कप मैदा। अगर इसका वज़न देखा जाए तो वज़न से ये 600 ग्राम मैदा है। इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। मैदा जब भी बाज़ार से लाए तो उसे छान ले। इसमें हम 2 टीस्पून ईस्ट डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून पिसा हुआ शक्कर और इसमें ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून ऑयल और ये वज़न से 60 ग्राम तेल है और इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है तेल में। अब हम इसे मिक्स करके हल्का गर्म यानी गुनगुना दूध से इसका हम आटा लगा लेंगे। जिस तरीके से हम घर में पूरी या पराठा के लिए आटा गूंथते हैं, सेम वैसा ही इसे कम से कम 20 मिनट के लिए हमें गूंदना है ताकि ये अच्छा से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए आटा हमारा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा तेल ऊपर लगाएंगे और इसे हमें ना ढक करके रखना है। हम इसे क्लीन सीट से कवर कर रहे हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बर्तन से इसे अच्छी तरीके से ढक दे और इसे गर्म जगह पर रख दे। अगर आपके घर में ओवन वगैरह है तो उसके अंदर भी इसे डाल सकते हैं, पर इसे ढक करके 2 घंटा के लिए हमें रखना है। ये देखें 2 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुका है। ये देखें साइज में डबल हो गए हैं। इसका हमने एक्स्ट्रा एयर निकाल दिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। मीडियम साइज़ का बनाएंगे और इक्वल साइज़ का बनाएं। और ये देखिए इसे हम बेल लेंगे, रोटी के जैसा इसे हम बेल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा मोटा रहेगा। इसका थिकनेस आप देख ले। और इसे हमने तवा पर चढ़ा दिया है। तवा हमने पहले ही डाल दिया था गर्म होने के लिए। ये देखिए ऊपर थोड़ा सा बबल्स आ रहा है और कलर चेंज हो गया। इसे हमने पलट दिया है और दूसरे साइड से भी हम पकाएंगे। और ऊपर से हम इसमें मक्खन लगा रहे हैं क्योंकि ये बटर नान है तो इसमें मक्खन जाएगा ही। और इसी तरीके से इसे हम अलट पलट करके पका लेंगे। फ्रेंड, ये रेसिपी जो है बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही सॉफ्ट आपका नान बनकर के तैयार होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।